जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी तीन बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं जिसको लेकर के कर दिया बड़ा ऐलान। तो आइए दोस्तों फिलहाल बताते हैं बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आई है। वहीं आपको बताते हैं कि हरियाणा में पेंशन बढ़कर होगी और 3,000 रुपये सीएम मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बोले, घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन भी हट जाएगी। और आपको बता दें कि हरियाणा देश का बुजुर्ग को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपये किए जाएंगे। और वहीं आपको बता दिया जाए कि राशन डिपो में गड़बड़ी की जांच करेगी ACB। वहीं बता दें मुख्यमंत्री के समक्ष दिव्यांग नागरिकों के जिले में कुछ राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायत की गई है, जिसको लेकर के CM खट्टर भी काफ़ी चिंतित हैं। और आपको बता दिया जाए कि हरियाणा सरकार द्वारा हर माह 20 तारीख से पहले पहले पेंशन डाल दी जाती है, इसलिए अब की बार भी सभी की पेंशन 15 तारीख के बाद खाते में डालनी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों अब की बार दशहरा से पहले सभी को पेंशन मिलेगी। अभी अभी विभाग का नया मैसेज आया है, अब की बार सभी के खाते में 2750 रुपये मिलेगी। जल्द ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी, 3100 रुपये सभी के खाते में आएगी बुढ़ापा पेंशन। दोस्तों ADN से जुड़े रहें, धन्यवाद।